जय हिंद आप सभी को। दिस इज योर टास्क 2 फॉर SSC JEE मेंस एंड टास्क 31 फॉर RRB JEE 2024। SSC JEE मेंस से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोगों ने टास्क 1 कंप्लीट कर लिया होगा अपने SSC JEE मेंस का। ये आज दूसरा दिन है आपकी प्रिपरेशन का। 6 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। डेली आपको बस कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। जो भी टास्क मिले उसको बस उसी दिन कंप्लीट करना है। थोड़ी डिफ़िकल्टी आएंगी, आपने बहुत टाइम से पहले से पढ़ाई नहीं करी होगी, छूट गई होगी, तो पहले ही दिन मोमेंटम बनाने में मुश्किल होगा। लेकिन आपको कोशिश इतनी करनी है कि भले ही आपसे 10 घंटे पहले दिन पढ़ाई ना हो, 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने की कोशिश करो। अगर आपको टास्क दिए हैं कि इन चारों के शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं और क्वेश्चन करने हैं, तो एटलीस्ट पहले चारों के शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। पूरा BMC कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि सीमेंट है तो सीमेंट के सभी टेस्ट देख लिए, प्रॉपर्टीज़ देख ली, बोगस कंपाउंड्स देख लिए, कंक्रीट देख लिया, टिम्बर में डिफेक्ट्स देख लिए, मतलब ओवरऑल देखने की कोशिश करो। ईमानदार आपको अपने आप से रहना पड़ेगा। आप बचकर नहीं निकल सकते ये बोल के कि एक दिन में चार चीज़ें नहीं हो पाएंगी, या फिर मेरा तो सिर्फ BMC, मैंने पूरी मेहनत करी लेकिन सिर्फ BMC हो पाया। आपको अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आपको चार टास्क दिए हैं तो चारों को आपको इक्वली या फिर आपके अकॉर्डिंग इसको बांटना पड़ेगा, लेकिन करना सारा ही टास्क पड़ेगा आपको। तो आज के टास्क में आपके पास है टेक्निकल पैकेज 1 और 2 टेक्निकल बूम। देखो, आपको स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी। मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेट भी करके दिखाऊंगा कि कितनी आसान है चीज़ें। टेक्निकल पैकेज मैंने कल वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। आपको कोई भी SSC JEE का, आपको मैं आगे भी टेक्निकल पैकेज करने के लिए दूंगा और मैं थोड़ा चेंज करूंगा। आज मैंने आपको बोला है कि आपको SSC JEE का कोई भी PYQ उठाना है। अब CBT 2 का सिर्फ एक PYQ आपके पास होगा, तो आपको CBT 1 के प्रीवियस ईयर में जो भी PYQ होंगे, जो आपने नहीं किए होंगे स्पेशली, वो उठाना है, उसको सबमिट करना है और 1 से लेकर 100 क्वेश्चन उसके करने हैं, उसके कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं, प्लस हर क्वेश्चन को देखना है। लगभग क्वेश्चन आपने किए हुए होंगे, आपने PYQs में किए होंगे चैप्टर वाइज, लेकिन जब सभी चैप्टर्स एक साथ आएंगे, सभी सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तो जो चीज़ें याद होती हैं वो भी याद नहीं रह जाती। तो आपको ये 1 से लेकर 100 एक बारी में कंप्लीट करना है। ओवरऑल जो आज का टास्क है तो उसके अंदर देख लो, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ करने हैं। सॉइल का आप टेक्निकल बूम करोगे, 13 चैप्टर इसके अंदर है, हर चैप्टर के 10 क्वेश्चन करने हैं, 130 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। और ट्रांसपोर्ट के अंदर हाईवे और रेलवे दोनों हैं, तो दोनों मिला के 15 चैप्टर आपके ये हैं, तो 150 क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपके पास। 150, 130 और 100, 8, 380, ठीक है, लगभग 400 क्वेश्चन आपके पास होंगे पूरे दिन में जो आपको कंप्लीट करने हैं। इन 400 क्वेश्चन के साथ साथ आपको इनके कॉन्सेप्ट देखने हैं, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले देखने हैं, नोट डाउन करने हैं। ये आपका दिन भर का टास्क होगा। आपको एंगेज करके रखना पड़ेगा अपने आप को पूरा दिन। आप सोचोगे कि 2-3 घंटे पढ़ के मेरा पूरा टास्क कंप्लीट हो जाए, टास्क कंप्लीट करने की होड़ में आपको नहीं लगना है। आपको ये जो टास्क दिया है आपको बिल्कुल स्ट्रेच करना है कि अगर आज आपको मैंने टास्क दिया है तो कल को 12 बजे तक ये टास्क कंप्लीट हो, कुछ इस तरह से चीज़ें अरेंज आपको करनी पड़ेंगी। फिर टेक्निकल पैकेज अगर जो मैंने दिया है आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको करना है, तो आप हर क्वेश्चन की डेप्थ में जा रहे हो आप। लेकिन हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि ऐसा भी नहीं है कि आप इतनी डेप्थ में गए कि शुरू के 10 क्वेश्चन में ही आपने पूरा दिन निकाल दिया और आपने हर एक चीज़ पढ़ ली उनकी। जिस्ट क्या है अल्टीमेटली टास्क का, कि आपको ये तीनों चीज़ें करनी है। दूसरा, अब ये तीनों चीज़ें करते करते आप कितनी डेप्थ में जा रहे हो, और सिर्फ उतनी डेप्थ में जाना है ताकि आप तीनों के तीनों टास्क कंप्लीट कर लो। तो ओवरऑल समराइज करके मैंने आपको बता दिया टास्क कैसे करना है। पहला टेक्निकल पैकेज करना है, SSC JEE का कोई भी PYQ। आगे जो मैं आपको टेक्निकल पैकेज करने के लिए दूंगा वो ESC का भी होगा, वो YCT से भी होगा, AE का भी होगा। चेंज मैं इसलिए करूंगा क्योंकि अभी जो CBT 2 पेपर आएगा हमें नहीं पता उसका लेवल क्या होगा। पिछली बार बहुत ईजी था, इस बार बहुत टफ भी आ सकता है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा हर एक लेवल के लिए। तो आज SSC JEE के क्वेश्चन करोगे। टेक्निकल बूम आपको करना है सॉइल का और ट्रांसपोर्ट का। कैसे करेंगे, जैसे सॉइल है, सॉइल को आपको YCT AE की किताब आपके पास होगी, उसको ओपन करना है। नहीं है तो इसी वीडियो के जो फर्स्ट कमेंट है, पिंड कमेंट है, उसमें मैंने ये बुक अपलोड कर दी है, साथ में सभी नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं।
आप वहाँ से सोइल को ओपन करना, पहला चैप्टर खोलना, उसके शुरू के या लास्ट के 10 क्वेश्चन करना, सेकंड चैप्टर खोलना, उसके शुरू के या लास्ट के 10 क्वेश्चन करना, ऐसे चलते चलते आपको सभी चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। ये आपका सोइल का टास्क होगा, टेक्निकल बूम 130 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्ट में आपको ओपन करना है, उसमें हाईवे और रेलवे दोनों हैं, हर एक चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, कुछ में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा, लेकिन करने सभी क्वेश्चन हैं आपको, सभी चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करने हैं। तो ये आपका टास्क 2 है जो कि आपको कंप्लीट करना है। जो लोग SSC JEE मेंस का पेपर लिखने जा रहे हैं उनको सॉलिडली यही करना है। अभी RRB के JEE के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना, कोशिश करना यही सिर्फ। SSC JEE का ही टास्क आप करो। अच्छा, जो बच्चे अगले साल के लिए प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं SSC JEE की, या फिर सिर्फ RRB JEE की टास्क की तैयारी कर रहे हैं, उनको SSC JEE का टास्क तो करना ही है, साथ में उनको RRB JEE का भी टास्क करना है। इस टास्क में क्या है, एप्टीट्यूड, हिस्ट्री और साइंस। एप्टीट्यूड में आपको एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। अब अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है, मैं आपको बता दूँ इसमें क्या है, मीन, मीडियन, मोड, एवरेज, इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। अब अगर आपके पास कोई किताब नहीं है, आपको सिंपल एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एप्टीट्यूड ये सर्च कर लेना है। आपके पास बहुत सारी साइट्स ओपन हो जाएंगी, टेक्स्ट बुक की भी ओपन हो जाएंगी, या फिर और दूसरी साइट्स भी ओपन हो जाएंगी। वहाँ पर आपके पास पूरा क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। आपको आधे घंटे से 45 मिनट इन्वेस्ट करना है अपना, और वो 40-45 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। जो नई चीज़ सीखो, नया मीडियन नहीं निकालना आता, मोड नहीं निकालना आता, मीन नहीं निकालना आता, स्टैटिस्टिक्स का सिग्मा आपको नहीं आता, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता, पहली बार पढ़ रहे हो, लिख लेना सब चीज़ें, आती है तो प्रैक्टिस कर लेना, बस इतना आपको करना है। ऐसा नहीं है कि अलग से आपको क्लासेस लेनी पड़ेगी, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हो। सिंपल एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स एप्टीट्यूड ये गूगल पर सर्च कर लेना, आपके पास सब चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी। हिस्ट्री में आपको पेज नंबर 126 से 130 ये 5 पेज पढ़ने हैं, पिछले 5 जो पेज पढ़े होंगे उनको रिवाइज भी कर लेना साथ के साथ। और ये जो मैं नोट्स, ये जो मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, ये नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने टेलीग्राम चैनल तस्वीर बंदा पर, और इस वीडियो के पिंड कमेंट में भी। तीसरे नंबर पे साउंड, चैप्टर 13 है क्लास 8 की NCERT बुक का, ये आपको पूरा पढ़ लेना है, इसके शॉर्ट नोट्स भी बना लेने हैं, क्योंकि बाद में आप पूरी किताब नहीं पढ़ोगे, जो आपने समरी निकाल के लाओगे, आप जो आपने नोट किया होगा आपको वही पढ़ना है। तो ये तो था ओवरऑल आपका आज का टास्क। आपको, आपने जो टास्क 1 कंप्लीट किया है, आप नीचे इस वीडियो में अपडेट करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो। आप टास्क, पिछला टास्क कंप्लीट करोगे तभी मैं आगे टास्क दूंगा आपको। अभी मैंने एडवांस में आपको एक टास्क दे दिया है। अब टास्क 2 के नीचे अगर आप लिखोगे कि टास्क 1 कंप्लीटेड, तो अब आपका टास्क 3 मैं कल को अपलोड कर दूंगा। तो इस तरह से सुबह उठना है, टास्क अपना लेना है, और सुबह से लेकर शाम तक आपका बस एक ही एम होना चाहिए लाइफ का, कि बस ये किसी तरह करके मुझे टास्क कंप्लीट करने हैं। अगर इस जुनून के साथ आप डेली टास्क कंप्लीट कर लोगे तो कोई दुनिया की ताकत ऐसा नहीं है जो आपका सिलेक्शन रोक सके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।